नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि राजपुर रोड स्थित हयात सेंट्रिक में देहरादून फैशन वीक और लाइफस्टाइल शो चल रहा है, तो उत्तराखंड की नौनी भी यहाँ पहुंची है। यहाँ पे मॉडल्स आए हुए हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है उन्हें और क्या। उन्हें हम अंदर रखेंगे। चलो मैं शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है और विवाह मूवी, भाई मेरी तो ये दोनों, ये सीरियल भी फेवरेट था और ये मूवी भी, उसमें प्यारा सा चेहरा आपने देखा होगा और भी कई सीरियल्स मैम ने किए हैं, लता सब्बरवाल जी। और वाकई में जैसा हमने सुमई ने देखा है कि इतने पॉजिटिव रोल्स करती है, फेस में स्माइल रहती है और जब से हम आए हैं मैडम की हंसी नहीं रुक रही है। तो देख के और बातचीत सुन के हमें लग रहा है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं जैसे वो रोल करती है। तो मैम, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सब उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्ते, मेरी नमस्ते, मेरा नमस्कार। मैम, आप यहाँ आई देहरादून फैशन वीक में आए हैं, आपका ये उत्तराखंड आने का पहला मौका है या आप पहले भी कभी आते रहे? नहीं, पहले आई हूँ मैं उत्तराखंड शूटिंग के लिए आई हूँ। एक्चुअली ऋषिकेश गई थी एक बार शूटिंग के लिए, तो देहरादून भी आई थी, लेकिन अगेन बहुत ही ब्रीफ टाइम रुके थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे घूम नहीं पाए थे। बस आज थोड़ा सा मौका लगा था दिन में तो बाहर गई, तो क्लॉक टावर देखा और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देखा, बस दो जगह देख पाई। फिर ट्रैफिक ना बढ़ जाए, संडे का दिन है इसलिए जल्दी वापस आ गई, होटल रेडी होना था इसलिए। इस बार है आपका रुकने का, घूमने का प्लान? नहीं, कल वापस जा रही हूँ घूमने के लिए। अब ये सोचा अलग से बनाएंगे स्पेशली, मतलब फैमिली के साथ घूमने आएंगे। और आज आप क्या कुछ पहनने वाली हैं? अभी आज जो पहनने वाली हूँ अभी फिर बता दूंगी तो मजा कहाँ आएगा, वो हम बाद में दिखाएंगे। बाद में दिखाना, ओके बता सकते हो, हम चला देंगे। ओके, इट इज ब्लैक एंड सिल्वर लहंगा एंड इट्स कंटेम्प्रेरी आउटफिट। आई विल से दैट कि गर्ल्स भी पहन सकती हैं, वुमेन भी पहन सकती हैं, एंड ऐसा आउटफिट है जो कि आप पहन सकते हो एक्चुअली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो मॉडल्स होती हैं उनको कुछ ऐसे आउटफिट पहने हुए देखते हैं जिनका हमें लगता है कि वाओ, लेकिन फिर हम ये सोच में डूब जाते हैं कि हम ये पहन पाएंगे क्या, क्या मुझ पे अच्छा लगेगा। तो ये आउटफिट ऐसा है जो बिना किसी इनहिबिशन के है, कोई भी एज ग्रुप का आराम से इसे कम्फर्टेबली पहन सकता है। बिल्कुल, आप जो रोल करती हो उनमें आपकी ड्रेसेज हो, आपका व्यवहार हो, बिल्कुल पॉजिटिव और एकदम रहता है बहुत बढ़िया सा, तो आपने जाहिर सी बात है आपने फिर सोचा कि मैं इस समय मुझे कोई वैसा वेस्टर्न या वैसी ड्रेस तो नहीं पहना रहे यहाँ पर? हाँ, मैंने पहले पूछा था क्योंकि मेरे साथ इंडियन ज़्यादा रेजोनेट करता है, इंडो वेस्टर्न भी थोड़ा सा चलता है, लेकिन कम्प्लीटली वेस्टर्न एक्चुअली मैं खुद को पहचान नहीं पाती हूँ उसमें, फिर खो जाती हूँ। जब आपको यहाँ आने का अपॉर्चुनिटी मिली, इन्विटेशन मिला, तो कैसे महसूस हुआ? आप बहुत बिजी थी, कैसे आपने टाइम निकाला, क्या कुछ था? एक्चुअली वैसे अगर मैं अब खुद को ही नहीं लेके सारी वुमेन या सारी गर्ल्स के बिहाफ पे बोलूँ तो रैंप वॉक करना सबको अच्छा लगता है, एक वो एक अलग सी फीलिंग होती है जो कि हम हमेशा देखते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत बार ऐसा मौका मिला है मुझे, एंड ये मौका फिर एक बार मिला तो मैंने सोचा ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। सो लकीली मेरे बेटे के वो क्लास टेस्ट चलते रहते ना हर मंथ, तो वो ओवर ही होने वाले थे, लास्ट टेस्ट उसका पहले पोस्टपोन हुआ, तो प्रिपेयर्ड था वो कल होने वाला है जो, सो दैट्स व्हाई आई कुड कम। एक्चुअली वो होता तो शायद नहीं आ पाती फिर, मैं प्रिपरेशन नहीं होती तो। अभी भी वो उस तरह की चीज़ें, जिम्मेदारियाँ जो उनमें बने रहते हो कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबसे पहले हैं एक्चुअली। अच्छा, उत्तराखंड का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? पेड़ों की खुशबू और पहाड़, क्योंकि कल जब मैं यहाँ लैंड की ना तो एक जो वनस्पति की खुशबू बोलते हैं वो इतनी अच्छी लग रही थी, और एक्चुअली एयरपोर्ट से होटल आते टाइम बहुत अंधेरा और जंगल भी था, जब मैं डरी भी बहुत सच बताऊँ तो, और रास्ते में ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग है, तो और डर गई कि जानवर भी आते हैं इधर, तो मैं ठीक जगह जा रही हूँ कि नहीं। सो लिविंग अपार्ट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड मैं बस ये चाहूँगी कि यहाँ पर जो नेचर है, जो ब्यूटी है, उसे किसी तरह से प्रिजर्व किया जाए, बस उसे ख़त्म ना होने दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ कोई है आपका साथी जो उत्तराखंड से हो,
ऐसा कोई खास? अरे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं यहाँ से, सबसे पहले शिवांगी, शिवांगी जोशी चरारा मिलती है, तो मैंने उनकी मम्मी को ही, वो भी मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो पहले उतरते ही फ़ोन किया कि मैं, आप यहाँ तो नहीं है बाय चांस, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ। देन और भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि, हाँ हिमानी जी है, बट मुझे मालूम नहीं इतना कि अभी इस टाइम पे वो कहाँ है, बट और भी मेरे कॉमन काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर हैं। देहरादून फैशन वीक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हर जगह के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ना ही ये सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही दौर नहीं है, हमारी सोच को खुला करने का भी दौर है कि अलाउ कर रहे हैं पेरेंट्स, सब जाएं बच्चे पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं कई नए एवेन्यूज़ खुलते हैं और जो हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प करता है जब हम स्टेज पर चलते हैं, वॉक करते हैं या इवन ऐसे प्रोग्राम्स देखने जाते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, टीवी सीरियल्स और फिल्मों की दुनिया का अपना दबाव होता है, वहाँ भी कई सुसाइडल केसेस सुनने को अब आ रहे हैं, तो किस तरह से उसके बीच में आपस में तालमेल बिठाना चाहिए या आप बैठाते हो, क्या कुछ करते हो? मैं सबसे पहले कुछ चीज़ों को क्रेडिट दूंगी जो कि हमेशा हर किसी को रखना चाहिए लाइफ में, स्पेशली यंगस्टर्स जो अभी आ रहे हैं, टू नॉट लीव योर फैमिली। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, और अगर आपकी फैमिली है तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे। सो ऑलवेज़ गिव प्रायोरिटी टू योर फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली स्टे ग्राउंडेड। ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, ये आज हैं कल नहीं है, आज बड़ी गाड़ी है कल नहीं है, इनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। ओन करो, इस मुकाम तक पहुँचो कि आप सब कुछ ओन करो, बट ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ नहीं है तो आप ख़त्म आपकी लाइफ, अरे हम कैसे जिएंगे इसके बिना, ये चीज़ कभी मत अपने अंदर लाना, स्टे ग्राउंडेड एज पॉसिबल। क्या मैसेज दिया आपने? साथ ही उत्तराखंड की नौनी, हमारा प्लेटफॉर्म में भी आपने पूछा भी, नौनी मतलब बेटी, तो हमारे पहाड़ की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए भी एक संदेश दे दीजिए। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली पहाड़ से हैं, और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ही सच्चे दिल के हैं सारी मेरी दोस्तें, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी लोग शायद ऐसे होंगे, तो आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ के हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए, और अपना जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, उसे मत छोड़िए। मैम उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, देहरादून आने के लिए, फैशन वीक का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच, नमस्ते। थैंक यू।